आप है, लेकिन 18-200 के बाद मजबूत डटा हुआ है। फेड के पहले भी कुछ ज़्यादा नर्वसनेस स्क्रीन पर तो नज़र आ नहीं रही है। ठीक है, 18,200 एक नंबर है, मगर 18,200 जो ऑल टाइम हाई से है, निफ्टी अब सब 400 पॉइंट दूर है। 400 पॉइंट दूर निफ्टी ऑल टाइम हाई से है, जो कि एक साल पहले हुआ था, जहाँ पर फेड को लेकर के कंसर्न्स नहीं थी, इन्फ्लेशन को लेकर के कंसर्न्स नहीं थी, युद्ध नहीं था, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स नहीं थे, क्रूड वॉज बिहेविंग इटसेल्फ, FI का सेलिंग नहीं था, बिल्कुल जो बड़ी सेलिंग आई अक्टूबर के बाद। तो आप एक प्रकार के उस लेवल पर वापस आ चुके हैं जहाँ पर आप एग्जैक्टली एक साल पहले थे। और इस एक साल के अंदर जो ये समुद्र मंथन हुआ है, समुद्र मंथन में एक बात बहुत सामने और एक प्रकार से उभर कर आई है कि इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी की जो पोजिशनिंग है वो किस प्रकार से चेंज हुई है। एक तो व्यू बदल गया है, सेकंड पी मल्टीपल बदल गया है, तीसरी पोजिशनिंग बदल गई है। तो इस बात को मैं लाइटली नहीं लूँगा, इस बात को मैं बार बार इंडोर्स कर रहा हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, शायद वही हमारा नारा है, वही हो रहा है, उसी चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। मगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो अक्टूबर का जो महीना था वह भी एक प्रकार का सबको अचंभित कर दिया, और इंडियन मार्केट से ज़्यादा ग्लोबल मार्केट्स ने हमें अचंभित अचंभित कर करा है। दिया, 13-14% डाउ के अंदर रैली रैली, आ गई। आप देखें बिग टेक के सेल ऑफ के बावजूद भी नैसडैक के अंदर बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है। इतने बड़े फेड को लेकर के इतनी ज़्यादा कंसर्न, उसके बाद भी FI आ रहा है। तो इस मार्केट ने, इक्विटी एज एन एसेट क्लास ने मेरे हिसाब से अक्टूबर के महीने में सबको सरप्राइज करा है, अंग्रेजी में अगर हम बोले सबको डिलाइट करा है। और जो डटे रहे, जिन्होंने एक अपनी रणनीति नहीं बदली, उन्होंने मेरे हिसाब से सितंबर अक्टूबर के अंदर ज़बरदस्त पैसा बनाया। राइट, एब्सोल्युटली। देखो, पैसा तो फार्मा स्टॉक्स में बहुत बन रहा है, और आप इंडिकेट कर भी चुके थे कि ये सेक्टर शायद डार्क हॉर्स हो सकता है। 2 दिन से इतना अच्छा चल रहा है पूरा फार्मा स्पेस ही। सन फार्मा के जो नंबर्स आए, उसके बाद तमाम ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स हैं। अभी भी आपका व्यू क्या उन्हीं स्टॉक्स पर है, ल्यूपिन, सन फार्मा, या आपको स्पेस में और दूसरे स्टॉक्स भी पसंद आते हैं? नहीं जी सर, मेरे हिसाब से अभी फार्मा के अंदर जब सेक्टर री रेटिंग होती है तो सबसे पहले बड़े शेयर चलते हैं। और आप देखिए हिंदुस्तान में जो बड़े शेयर्स हैं, सिप्ला और सन फार्मा, चार्ट्स अगर आप देखें तो सिप्ला भी ऑल टाइम हाई के आसपास है और सन फार्मा भी लगभग एक उसी नए डायरेक्शन में हाई जा के रहे आसपास है। हैं। लुपिन ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है, औरविंदो फार्मा ऑल टाइम नहीं, हाई के दूर है। आसपास नहीं है। तो फार्मा एक हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर रहता है। कौन सी फार्मा कंपनी किस क्षेत्र में क्या दवा बना रही है, किसका क्या FDA से संपर्क है, किसका कोविड में राइट ऑफ आया था। तो फार्मा में आपको एक, जैसे फाइनेंशियल्स में आप एक इकोनॉमी का रुख पकड़ते हैं, अगर इकोनॉमी अच्छी चलेगी तो सब फाइनेंशियल्स जिनके पास एबिलिटी टू लेंड होती है वो हमेशा बेनिफिट करते हैं। फार्मा में ऐसा नहीं होता है। स्पेसिफिकली सन फार्मा एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, बिकॉज फॉर द क्वार्टर गॉन बाय का स्पेशलिस्ट स्पेशलिटी फार्मा सेगमेंट जो था, नए लॉन्चेस से उनको उसमें काफ़ी बेनिफिट मिला है। एक सेट ग्लैंड फार्मा एक प्रकार से खतरे की घंटी बजा रहा है कि भाई हमें US मार्केट के अंदर प्राइस इरोशन हो रहा है, मगर सन फार्मा में ऐसा नहीं है। सिप्ला में अगर आप देखेंगे तो सिप्ला में US बिजनेस छोटा है, उसके बावजूद सिप्ला इस समय ऊपर जा रहा है। तो फार्मा में आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। मैं दर्शकों से फिर वही एक प्रकार से सलाह दूंगा कि फार्मा में ट्रेड ना करें, फार्मा स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करें। अगर आपको अच्छा। निवेश करना है तो फार्मा कंपनियों में निवेश करें, फार्मा क्षेत्र में ना निवेश करें। देखिए कई सेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर सेक्टोरल ट्रेंड अगर आपको पकड़ में आ जाता है तो आपको पैसा मिलता है। ऑटोज है, अगर मारुति की गाड़ी बिकेंगी तो महिंद्रा की गाड़ियां भी बिकेंगी। IT, अगर TCS 10% पे ग्रो कर रहा है तो इन्फोसिस 8 या 9 पे ग्रो करेगा। बैंक्स, अगर HDFC बैंक 20% पे ग्रो कर रहा है जो कि कर रहा है, तो ICICI बैंक भी 22% पे ग्रो करेगा। वहां पर रिलेटिव गेम होता है, मगर सेक्टर राइट होना चाहिए। फार्मा के अंदर अगर आपने एक साल पहले लुपिन लिया तो आपको कुछ पैसा नहीं बना, आपने सन फार्मा सिप्ला लिया तो यू बेटा होम रन। बिल्कुल निकुंज, फार्मा, ऑटो, बैंक्स, ये सारे मेजर मोस्ट टॉक्ड अबाउट सेक्टर्स है, लेकिन कुछ साइडवेज सेक्टर्स भी हैं जो कि अब तूल पकड़ रहे हैं। ई कॉमर्स, फैशन, रिटेल, नायका का स्टॉक करीब 20% चल गया अच्छे नतीजों के बाद, कॉन कॉल हाइलाइट्स भी रहे, इन पर आपकी राय क्या है? देखिए नायका इस समय एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर है। एक साल पहले जब नायका लिस्ट हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि नायका से अच्छी कंपनी नहीं होगी। लास्ट वीक जब नायका में सेल ऑफ हुआ था सबको लग रहा था कि भाई नायका से ख़राब कंपनी कोई नहीं है। ये जो इतना, ये पूरा ई कॉमर्स की जो स्पेस है, ई कॉमर्स तो नहीं मैं बोलूँगा उनको, मैं कंज्यूमर टेक और फिनटेक में बोलूँगा, इसके अंदर मुझे लग रहा है कि इस समय एक प्रकार का मंथन हो रहा है। और इस मंथन की वजह से मुझे लगता है कि प्रमोटर्स काफ़ी कॉन्शियस हो गए। देखिए जोमैटो
का जो रुख था कब बदला, जब प्रमोटर ने आकर के एक लाइन बोली दैट वी आर कमिटेड टू मेक Zomato प्रॉफिटेबल, द पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी इज डिसाइड। मुझे लगता है कि नायका में जिस प्रकार का प्रेशर आया है स्टॉक के अंदर, प्रमोटर्स भी इस बात को अब एक्नॉलेज कर रहे हैं। कल के स्पेसिफिक नंबर्स अगर आप देखें तो नंबर्स में मुझे तो इतनी गिरावट नहीं लग रही थी। कई ब्रोकरेजेस का मानना है जी वह ग्रो करेंगे तो मार्जिन और रेवेन्यू के प्रेशर में आएगा, पर मुझे लगता है कि नायका जिस बिजनेस के अंदर है उस बिजनेस का जो ग्रोथ है इतना हाई पोटेंशियल ग्रोथ एरिया वो है कि अभी नायका को, नायका जैसे बिजनेस के अंदर अभी मुझे नहीं लगता है ग्रोथ की कंसर्न्स हैं। एक रिपोर्ट है क्रेडिट स्वीस की जो बेरिश है, एक रिपोर्ट है बोफा एमएल की जो बुलिश है। मैं बोफा एमएल की रिपोर्ट को ज़्यादा एंडोर्स करूंगा बिकॉज मुझे लगता है कि इस प्रकार के चर्न के बाद टिपिकली जब स्टॉक वापस आता है तो प्रमोटर कॉन्शियस हो जाता है और एक लॉन्ग टर्म निवेशक 2 या 3 क्वार्टर आगे जो देख रहा है मुझे लग रहा है कि उसको गुड एंट्री पॉइंट मिल रहा है। बिल्कुल, इनफैक्ट गुड एंट्री पॉइंट की बात करें तो 980 तक का लो बना के नायका धीरे धीरे वापस आ गया और आज हम आपको नायका के मैनेजमेंट से बातचीत करवाएंगे। मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के अंदर जो बड़ा ट्रेंड आएगा वो आएगा सब ई कॉमर्स और कंज्यूमर टेक कंपनीज के अंदर। जिस प्रकार Zomato ने लास्ट क्वार्टर में आकर के बोला था जी हम एक पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं, आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट पॉलिसी बाजार भी वही बोले, आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट पेटीएम भी उस बात पे इंसिस्ट करे। देखिए मार्केट कैप जब नीचे जाती है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, सारे प्रमोटर्स का जाहिर सी बात है फोर्स कर देता है। सब प्रमोटर्स चाहते हैं जी हम शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करें बिकॉज वो हमेशा लार्ज शेयर होल्डर होते हैं। एक समय था जब मार्केट केवल ग्रोथ एट एनी कॉस्ट के मोड में था, आप ग्रो कितना कर रहे हैं, आपसे एक ही सवाल पूछा जाता था आपने कितने कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं, नहीं आपसे एक सवाल पूछा जाता था जी आपका मॉडल क्या है, आप क्या ग्रो कर रहे हैं, आपने कितने कस्टमर ऐड करे हैं और आप ग्रोथ कितनी और कर सकते हैं। अब वही इन्वेस्टर्स उनसे सवाल पूछ रहे हैं ग्रोथ तो अच्छी है मगर पैसा कितना बना रहे हो, पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्या है, माल बेच रहे हो मगर घर में कितना आ रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन है वो चेंज हो चुका है, प्रमोटर्स अब समझ रहे हैं। तो जिन भी प्रमोटर्स की आप शब्दावली का अगर आप ध्यान दें तो सारे के सारे प्रमोटर्स की शब्दावली और अप्रोच के अंदर चेंज आ चुका है। मार्केट एक है ना एक बड़ा इक्वलाइजर होता है जय प्रियंका मानसी, और मार्केट कई बार आपको रियलाइज करा देता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, और ये जो रिक्वायरमेंट है ग्लोबल लेवल पे चेंज हो चुकी है। 1-1.5 साल पहले साहब आपको 2% पे पैसा मिलता था, कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती नहीं थी, अब 5% है। तो जाहिर है सब जब चक्र घूम रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी और जो मूल्यांकन की जो मैटर होते हैं वह भी चेंज हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सेलेक्ट कंज्यूमर टेक कंपनीज के अंदर आज नहीं तो कल बॉटम बन रहा है। देखिए इनफैक्ट कल भी डिलीवरी हो गई आपकी Zomato थाई, बाकी सारी स्टॉक भी चलना शुरू हो चुकी है, डिलीवरी अपर सर्किट काफी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है वहां पे। लेकिन आगे चलते हैं कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज के बारे में बात करते हैं। वैशाली चिराग और संतोष मीना भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निकुंज बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बातचीत के लिए।